May I come in? मिस्टर मानसिंह, वेलकम। अरे आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए प्लीज आइए बैठिए। कहिए मानसिंह जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? शीतल वार्ड नाम के आदमी को जानते हैं आप? क्या वो आपके लिए काम करता है? ये तो शायद वही आदमी है जिसके साथ शेफाली काम करती है। खंडेवाल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मानसिंह जी, मेरे यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, मेरी अलग अलग कंपनी से। हो सकता है कि उनमें से कोई एक शख्स शीतल वार्ड भी। एनीवेज, आप मुझे बताइए कि बात क्या है, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। आप इसका हल निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। खंडेवाल साहब, जब से आप हमारे समधी बने हैं, मैंने किसी भी तरह से आपको अपना राइवल नहीं समझा है। लेकिन अगर आप शीतल वार्ड नाम के इस आदमी को जानते हैं, तो मुझे मजबूरन आपको अपना राइवल समझना पड़ेगा। आपकी क्या बात कर रहे हैं मानसिंह जी? आखिर हुआ क्या? शीतल वार्ड नाम के इस आदमी ने अर्जुन को बहुत बड़ा फाइनेंस किया, और आप जानते हैं कि मार्केट में दो ही लोग हैं जो इतना बड़ा फाइनेंस कर सकते हैं, एक आप और एक मैं। शेफाली और शीतल वार्ड ने अर्जुन को फाइनेंस किया? क्या सोच रहे हैं जी? नहीं नहीं कुछ नहीं। देखिए मिस्टर खंडेवाल, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस आदमी को जानते हैं और अगर आप किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप आज से हमारे दुश्मन हैं। बल्कि आज से नहीं मिस्टर खंडेवाल, अभी से। और हां मिस्टर खंडेवाल, अगर आप नहीं जानते और इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा रिश्ता आज भी कायम है। शेफाली ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो अर्जुन की कंपनी को फाइनेंस कर रही है? पापा, आपने बुलाया मुझे? मानसिंह जी मुझे मिलने आए थे। शीतल वार्ड के साथ मिलकर तुमने जो फाइनेंस कंपनी खोली है, उसमें से क्या तुमने अर्जुन को फाइनेंस किया? जवाब दो शेफाली। पापा, आप सच्चाई जानने के बाद ही फैसला करना, और सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। अर्जुन के अमेरिका के अकाउंट में 70 करोड़ रुपए जमा। सबसे ज्यादा क्रेडिट तो हमें शेफाली को देनी चाहिए, जो बिना अपनी अक्कल लगाए हम पर विश्वास कर रहा। उसे तो अभी भी ये लगता है कि अर्जुन ने उसके साथ विश्वासघात किया। इतना बड़ा फ्रॉड किया इन लोगों ने मेरे साथ, और मेरी भूल सी मासूम बच्ची सब कुछ चुपचाप सहती रही, अकेली लड़ती रही इन लोगों के साथ, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पापा को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इतना बड़ा फ्रॉड, शेफाली अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेफाली, तुम युवराज से डिवोर्स ले लो।
भी जल्दी नहीं। अभी तो हमने उन्हें सिखाना है कि दुश्मनी आखिर होती क्या है। मानसेन गोयनका को क्या पता कि बदला कैसे लिया जाता है? वो क्या जाने कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है? दुश्मनी क्या होती है यह अब उसे मैं बताऊंगा। लेकिन बेटा, तुमने अचानक अर्जुन को फाइनेंस को किया। पापा, आप जानते नहीं हैं, जिस तरह उन्होंने आपको और मुझे धोखा दिया है, उसी तरह अर्जुन को भी धोखा दिया है। हाँ पापा, आपकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलना ये एक सिर्फ नाटक था उनका। दरअसल वो मेरे जरिए आपके साथ बिजनेस एसोसिएशन रखना चाहते थे। एक एक करके बदला लूंगा मैं लोगों से बेटा, एक एक करके। तो किसी बात की फिक्र मत करना। पापा, अगर आपको लगता है कि मैं जो भी करूंगी ठीक करूंगी, तो बस मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, और फिर हम दुश्मनी से नहीं बल्कि दोस्ती से उनसे बदला लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ठीक है पापा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शेतरवाड़ नाम के किसी इंसान को आप नहीं जानते, और आप या मैं इस मामले में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं। एक बार तो इन लोगों को जेल के सलाखों तक पहुंचा चुकी हूं, और आगे भी ऐसे कई सारे सिलसिले जारी रहेंगे। इस बात को दबाया भी मैंने है, और इसे उठाऊंगी भी मैं। इन्हें शिफाली खंडेलवाल के साथ खेला हुआ खेल बहुत भारी पड़ेगा। कमिन मैडम। या कमिन। मैडम, आपने जो फोटोग्राफ्स मुझे लेने के लिए कहे थे, आप जा सकते हैं। ओके मैडम। मुझे फंसाने की तुम लोगों की ये साजिश अब तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगी। हेलो। आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत सेंसेशनल न्यूज है, एकदम फ्रंट पेज न्यूज। आप कौन बोल रही हैं मैम? आप पहले पूरी बात तो सुनिए। मिस्टर मानसेन गोयनका, मिस्टर सूरज किरण और मिस्टर खुशाल दास फ्रॉम गोयनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वर अरेस्टेड। और उनकी जमानत करवाने गई थी खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और उनकी बहू शिफाली गोयनका। और सबूत के तौर पर शाम तक आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? हेलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।